अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत होंगे। तो आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो ये वाले वर्ल्ड की सीरीज का मैंने ऑलमोस्ट एंड कर दिया था, लेकिन मेरे को लगा नहीं, इसका एंड नहीं करना चाहिए, इसको अब चलाना चाहिए। इसमें भाई मैंने कुछ आइडियाज है जो मेरे पास है, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ इस वर्ल्ड में, इस सीरीज में आपने लिए। और ये देख रहे हो, ये आसपास की सारी जमीन मैंने इसी प्रोजेक्ट के लिए खाली किया, और उसी प्रोजेक्ट के लिए आज हमें अपने लिए लाना होगा एलाइट्रा। तो एलाइट्रा लाने से पहले एक चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे को भूल गया कि मेरा एंड पोर्टल किधर था, तो अभी मेरे को जाना पड़ेगा, दोबारा से अपना एंड पोर्टल ढूंढना पड़ेगा। एंड पोर्टल पे जाने से पहले सबसे पहले एंड सिटी ढूंढनी पड़ेगी एंड पोर्टल पे जाने के बाद, और एंड सिटी ढूंढने के लिए जो जरूरी प्रिपरेशन है सबसे पहले वो करते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो अपने को चाहिए होगी वो होगी ऑब्सीडियन। तो ऑब्सीडियन जीते चाहे थे मिल चुके हैं। फर्स्ट थिंग वी हैव टू मेड इज एन एंडर चेस्ट। तो एक एंडर चेस्ट हमने बना ली, अब एक एंडर चेस्ट ये है और एक एंडर चेस्ट अपने हम अपने साथ लेके जाएंगे। तो सबसे इस एंडर चेस्ट को हम भरने वाले जरूरी सामान के साथ। जरूरी सामान में सबसे पहले हम कोबल स्टोन रखेंगे, क्योंकि एंड सिटी ढूंढने के लिए सबसे पहली चीज जो हमें चाहिए वो भाई स्लैब्स होगी, क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी एक ब्रिज से दूसरे ब्रिज, नहीं एक सिटी से, पता नहीं यार वो क्या है, लेकिन एक दूसरे तरफ जाते वक्त मेरे को ये स्लैब बनानी पड़ेंगे, मेरे को पता है। इसलिए एक एंडर चेस्ट में अपने कोबल स्टोन से भरने वाला हूँ। अगली चीज जो हमें चाहिए वो है फूड। भाई फूड का तो आपके भाई ने अच्छा खासा जुगाड़ कर लिया, ये देखो जरा 64, और ये देखो ये मेरे को भाई नो रिस्क नहीं लेना है, किसी भी हाल में रिस्क नहीं लेना, वहां पे खाने को कुछ नहीं मिलेगा, मरना नहीं है उधर। अब एक और लास्ट चीज जो मेरे को बनानी है वो बनाते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होंगे नेदरराइट, जो कि मैंने मेल्ट करके रखे हुए हैं, जो कि सिर्फ लास्ट 4 मेरे पास है। तो इससे बनाएंगे एक नेदरराइट इंगट। तो इस नेदरराइट इंगट को हम मिला देंगे अपनी इस वाली सोर्ड में, क्योंकि लास्ट टाइम मेरी सोर्ड जाया होगी, तो इस दफा मैं नहीं चाहता कि फिर से वो आग में गिरे और जाया हो जाए। तो ये अपनी ओपी सी मोस्ट ओपी सोर्ड ऑफ द माइनक्राफ्ट बन के आ चुकी है। फॉर सिक्योरिटी रीजंस एक कर्ड पंपकिन भी अपने पास रख लेंगे। तो ये कर्ड पंपकिन अपने पास आ गया। एक और नेदरराइट स्क्रैप मेरे पास है, सॉरी आई एम रॉन्ग, एक और है, मेरे को नहीं पता था इसका। अब लास्ट थिंग लास्ट जो अपने को चाहिए वो है एंडर पर्ल, जो कि इकट्ठे करने पड़ेंगे डिफरेंट चेस्ट से। तो मेरे ख्याल से 16 एंडर पर्ल जो है ये काफी होंगे अपने लिए। अगेन एवरीथिंग चेक, हर चीज पूरी है, तो अभी एक ही काम है, फेंको एंडर पर्ल और ढूंढो दोबारा से एंड पोर्टल। ये वुडलैंड मेंशन मेरे को मिल गया, मेरे को याद है लास्ट टाइम मेरे को ये दिखा था, जब लास्ट टाइम भी मैं एंड पोर्टल की तरफ गया था ना, तो इस दफा भाई मैं अपने कोऑर्डिनेट्स में बड़े ध्यान से ना मार्क करूंगा। चलो सबसे पहले सोलो और इसके कोऑर्डिनेट मार्क करके निकलते हैं यहाँ से। कोऑर्डिनेट मैंने मार्क कर लिया, अभी चलते हैं, निकलते हैं, अपना सफर जारी रखते हैं। मेरे को थोड़ी सी जगह ना याद आ रही है, जैसे मैं करीब आ गया उस जगह के, बहुत ज्यादा करीब। मिल गया, अभी मैंने देखा नहीं, लेकिन मेरे को याद आ गया कि वो जगह जहाँ से मैं नीचे गया था यही कहीं है। ये रहे आई थिंक सो यही है, मैं देख लूं एक दफा। यही है। इतना डैमेज तो हम बर्दाश्त कर ही सकते हैं, क्योंकि आई हैव फादर फेलिंग 4 इन माय बूट्स। तो अभी जल्दी से अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड वाला कमरा ढूंढते हैं, वो मेरे ख्याल से इस पीछे की तरफ यहीं पे ही था, यहाँ पे मेरे को याद आ रहा है। एक एंडर पर मिल गया, तो यहाँ पे मैं एक रास्ता बना देता हूँ, ताकि अगली दफा मेरे को ये पोर्टल ढूंढने में थोड़ी डिफिकल्टी ना हो। ये पोर्टल तो मेरे को मिल गया, तो ये रहा पोर्टल रूम, तो यहाँ से फिर हम इधर आएंगे। तो ये रहा अपना पोर्टल रूम, इधर से यार थोड़ा सा स्टोन जो पड़ा है ये ले लेते हैं, ये काम आएगा अपने। ये लास्ट टाइम जब हम आए थे ये वो वाला सारा सामान इधर ही पड़ा हुआ है अपना। तो एक काम मेरे को करना है, मेरे को यहाँ पे बेड प्लेस करना है, लास्ट टाइम मैंने ये गलती की थी, और यहाँ पे अपने को सो लेना है एक दफा, इससे अपना रिस्पॉन पॉइंट भी सेट हो जाएगा, और अगर हम उधर जाके मरते हैं तो दोबारा इधर ही रिस्पॉन हो जाएंगे। इसके कोऑर्डिनेट्स मैं मार्क कर लूँ सबसे पहले। लेट्स गो। अपने को ऊपर जाना पड़ेगा, शुक्र है मैंने ले लिए थे कुछ स्टोन, मैंने ले लिए थे, इस तरह करके जाएंगे ना, रास्ता बना के जाएंगे। और ये हम आ गए ऊपर, ये हम आ गए। एंडमैन्स अपना बॉस ढूंढो ना, तुम्हारे बॉस को तो मैंने बहुत बुरा मारा, तुम लोगों ने देखा या नहीं देखा मेरे को नहीं पता। लास्ट टाइम एक चीज जो हमने नहीं की वो आज करते हैं, कि हम अपना एग लेना भूल गए थे, राइट क्लिक ही करते हैं यार इसके ऊपर, शायद खाली हाथ से ना करते हैं। हाँ तो ये इधर आ गया, अभी इसको लेते हैं। इसको लेने का तरीका ये है, इसके एक ब्लॉक नीचे प्लेस करते हैं एक टॉर्च, और अभी इस ब्लॉक को तोड़ देते हैं।
आई हाय एडवांसमेंट मेड गोल अचीव मैं टॉर्च दो वापस चलो अब निकलते हैं एंड सिटी को ढूंढने के लिए अपने पास हैक एन हैक आ चुका है इसको अपने अंडर चेस्ट में रखते हैं मेरी इमेज को ये याद रखना है इसको मैंने तोड़ना सिल्क टच से अगर ना तोड़ा तो ये जाया हो जाएगी अभी अपने को ढूंढना है एंड सीधी का रास्ता वो रहा वो देखा तुम लोगों ने ऊपर तक का बनाना पड़ेगा एक रास्ता सबसे पहले तो ये बन गया अपना रास्ता थोड़ा सा रास्ता को बड़ा बनाएंगे ताकि हमको आने जाने में थोड़ी आसानी रहे चलो जी अभी हमें इसके पास आना है और कुछ नहीं करना सिर्फ एक एंडर पर्ल जो है इसके थ्रू थ्रो कर देना है होप करेंगे सब कुछ अच्छा अच्छा हो हमारे साथ रिमोट गेटवे तो हम वी आर एयर वी आर इन एंड सिटी ओ भाई देख रहे हो ये बीकन है हमें डैमेज तो नहीं होगा भाई मेरे से कुछ किस्मत इंसान इस दुनिया में नहीं हो सकता अभी के लिए कोई शायद हो कुछ कह नहीं सकते लेकिन मैं क्या बताऊं मेरी खुशी की इंतहा नहीं है मैं कैसे बताऊं मेरी खुशी की इंतहा नहीं एक बड़ी एंड सिटी मेरे को मिल गई वो भी जस्ट 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 मेरे पोर्टल के बिल्कुल सामने यार मेरी खुशी की इंतहा नहीं है मैं क्या बताऊं मेरे जज्बात में बता नहीं सकता इस वक्त मैं कह सकता हूं मैं लकीएस्ट पर्सन हूं बहुत से लोगों में से मैं लकीएस्ट हूं कि मेरे को कुछ ढूंढे बगैर वो मिल गया जो कि मिलना बड़ा ही औखा और मुश्किल है तो मैं क्या बताऊं मैं बड़ा खुश हूं यार मेरा बड़ा वक्त बच गया लेकिन अब जो काम करना है सबसे पहले वो करते हैं इसे लेते हैं एनचैनमेंट टेबल और ये एनचैनमेंट टेबल को रखते हैं इधर और जल्दी से स्लैब बना लेते हैं चेयरमैन टेबल तोड़ो सामान सारा इसमें रखो चलो जी सबसे पहले ये देखते हैं ये क्या चीज है ओहो ये क्या था टोरस फ्रूट आहा थोड़े से लेते हैं ये भी इनको हम खा सकते हैं क्या ये क्या हुआ ओ भाई इससे हम टेलीपोर्ट होते हैं मैं नहीं ये खा रहा है ना हो अभी मैं टेलीपोर्ट हूँ किसी और जगह पे तो भाई एक बड़ी एंड सिटी मिल चुकी है चलते हैं सबसे पहले ओए मैं ऐसे स्लैब पकड़ी मेरे को तो स्लैब की जरूरत भी नहीं मेरे को लगा मेरे को ब्रिज बनाना पड़ेगा और वी डोंट इवन नीड अ ब्रिज तो अपने को एक चीज मैं बता दूं अपने को लाइट्रा मिलने वाला है वो देख रहे हो यहाँ पे अपने को लाइट्रा मिलने वाला है लेकिन उससे पहले इतनी बड़ी एंड सिटी ये एक्सप्लोर मेरे बापू जी ने करनी है एक पूरा एपिसोड बगैर एंड सिटी एक्सप्लोर करे ना जी ना ये रिस्क नहीं हम ले सकते तो चलो चलते हैं यहाँ पे मेरे को शरकर शहर की आवाज आने लग पड़ी और ये देखो ये भूतनी के कहाँ हो जी कहाँ हो ओहो मेरे को उड़ाने के लिए आ रहे हो लेकिन आपको पता नहीं है कि मेरे पास सोर्ड कितनी हैवी है अपनी ओपी सी सोर्ड के बारे में इनको पता नहीं है कुछ ओहो उड़ाना शुरू कर दिया लेकिन मेरे पास एक सबसे बड़ी दुनिया की गलती जो मैंने कर दी वो ये कि मैं वाटर बकेट लाना भूल गया दुनिया की सबसे बड़ी गलती आपको पता है मैंने की है ये इट इज द लार्जेस्ट मिस्टेक के एंड सिटी ढूंढ पे आए हुए और भाई साहब वाटर बकेट भूल गया अभी ये हाल ही होना है मेरा मैं बता रहा हूँ शुक्र है मेरे बूट्स पे फेदर फॉलिंग 4 है एटलीस्ट कितने मिल गए एक शक्कर शैल मिल गया आय हाय शक्कर शैल मिल गए शक्कर शैल नहीं शलकर शैल मिल गए तो इनका बड़ा फायदा है मैं बताऊंगा आपको इनके दो मिल गए इधर से इतने कुछ शक्कर शैल मिलेंगे आज जिनकी इंतहा नहीं होगी इधर हो पारे पारे से अभी मजा आएगा ना बीड़ू आय हाय इनकी गेंदों को पहले देखना पड़ेगा ना इनकी गेंदे तोड़नी पड़ेगी ओ गिरते गिरते बचे तेरे को तो मैं मारने आया इतनी दूर से तू मुझे शक्कर शैल देगा ना देगा ना देगा तेरा बाप भी देगा खाना खा लो थोड़ा सा मैं बड़ा कुछ हूँ यार मेरे को एनसीटी मिल गई मैं कहा बताऊ मेरी खुशी की इंतहा नहीं है कोई बात नहीं अपने पास फेदर फॉलिंग है कुछ बचत होती रहेगी अपनी तो यहाँ से हमें को जाना है ऊपर मैं बिल्कुल जमीन पे आके गिरा हूँ क्या हाँ जी बिल्कुल जमीन पे आके गिरा हूँ अभी हम जाएंगे इस तरफ फिर जाएंगे इस तरफ फिर जाएंगे इस तरफ आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे बड़ी भाई ये एक लार्ज एन सिटी है मैं पहले बता दूं ये एक लार्ज एन सिटी है एपिसोड लंबा हो जाएगा मेरे को नहीं कहना भाई मैं कुछ कर नहीं सकता मेरे तो बड़े मजे आ रहे हैं लेकिन सबसे पहले बताऊं इस सर्कल शहर का कुछ करना पड़ेगा को जल्दी से मारना पड़ेगा नहीं तो ये मैं गलत जगह आ गया बॉस बता रहा हूँ गलत जगह आ गए हैं अभी कुछ नहीं कह सकते क्या होगा अपना लेकिन मेरे को इनको बो से नहीं मारना क्योंकि बो से मारने से मेरे को शर्कर शैल कम मिलेंगे मेरे को इनको मारना अपनी पारी सी छोड़ से ओ किधर ऐसे ही मारी जा रहे हो क्या मेरे को ऊपर नहीं जाना सालो कमीनो मेरे को ऊपर नहीं जाना छोड़ दो मेरे को तुम लोगों का सत्यानाश करना है मेरे को शर्कर शैल चाहिए हट जा वो क्या वो डिस्पोन हो गया ऐसे तुम रुक जा किधर है तुम तेरे पास ही आ रहा हूँ अच्छा जब ये भूती खोलेंगे तब इनको मारेंगे तो ये शर्कर शैल देंगे अच्छा समझ आ गई बिड़ू हट जाना
पकड़ ले। इसमें क्या है? इसमें तो यही अपना सामान है। ओ भाई ये बूट अच्छे लग रहे हैं, ये भी अच्छे लग रहे हैं, ये भी अच्छे लग रहे हैं, ले लो। मैं एक बात बताऊं, वैसे मेरे को अंडर चेस्ट रख के ना उसमें थोड़ा सामान रख लेना चाहिए, लाइक ये शर्कर शैलम रख देते हैं, ये इनकी कोई जरूरत नहीं। ये क्या एंड्रोड? निकल निकल, मैं तेरे लिए तो इतनी दूर से आया हूँ, मेरे को लगी ना मेरे को तेरे लिए मैं तो, मेरे को शर्कर शैल नहीं दिया यार, कितना तू बहस की दूं तेरी। एक और है लेकिन वो ऊपर है, मेरे को पता है, देख रहे हो कितने ज्यादा। इसको बंद ही कर दो, मेरे को खोलना ही नहीं तेरे को। तू ऊपर है, तू मेरे को तेरी जरूरत ही नहीं। मैं जा रहा हूँ, मैं वापस जा रहा हूँ, अपने घर जा रहा हूँ, मैं नहीं तेरे पास आना। तू गंदा है। ओपन ओपन ओपन, बूथा खोल। प्लेस खाली करनी पड़ेगी सर्कल शैल पकड़ने के लिए। अभी इस तरफ चले गए, अभी बारी है इस वाले शकू शैल की। दे मेरे को मेरा सर्कल शैल दे। आए हाय, खाना खाओ। वो भैंस की तुम, अभी मैं गिरने वाला था नीचे, यकीन करो, मैं उसे पकड़ते अभी गिरने वाला था यार। मेरे को नहीं चाहिए, तुम लोग क्या करते हो यार। अभी चलते हैं किसी और तरफ, ये वाला टावर तो हो गया, इधर से भाग लो क्योंकि इधर से कोई चांस नहीं मिलेगा निकलने का। तो ये इस तरफ को हमने एक्सप्लोर कर लिया सारा, अभी चलते हैं इस तरफ। खोल मुंह, बूथा खोल, सर्कल शैल दे, दो मेरे तेरे से लेने आया हूँ। चलो जी, एक एक करके सबको मारेंगे, चल निकल। ऊपर जाने से पहले हम जाएंगे इस तरफ, यहाँ से अपना एक कर लो, क्लोता सर्कल बोग। ओहो, अंदर तो पूरी की पूरी पलटून है, क्योंकि मेरे को किसी को नहीं बख्शना। खोल, जल्दी डब्बा खोल। चल यही चाहिए था तेरे लिए। ओहो, यहाँ पे काफी ज्यादा है वैसे, ये देखो ये डीस्पून भी होते हैं, वाह वो देख कितना हरामी। चल निकल, ओ मेरा एक सर्कल शेल नीचे, ये मिल गया, एक सर्कल शेल मिल गया, वो आयरन मिल गया, लेकिन पानी कहाँ से मिलेगा ये देखना। प्रोटेक्शन 4, माइट 4, मेंडिंग गन ब्रेकिंग 3। ओ भाई इसको खाली करो ना। थैंक यू, ले, जल्दी। एक और मार, तेरे लिए तो इतनी दूर से आया हूँ। एक और मार। शर्कशल मेरा आ गया, एक और शर्कशल। I am very पुखा। और शर्कशल्स, मेरे को शर्कशल्स चाहिए किसी भी आप। ये हिसाब ही हो गया, डन डन आडन। नहीं, हमसे चलाकियां नहीं चलेंगी साहब जी, नहीं हमसे नहीं। हाँ जी भाई साहब, हमने ये सारी के सारी जो है ना ये कर लिया एक्सप्लोर, अभी सिर्फ फाइनल एक ही रहता है, जिधर अपना हाईलाइटर है, अपने को उस तरफ जाना है। तो उस तरफ जाने का एक रास्ता तो ये है कि हम यहाँ से ब्रिज बना के जाएं, तो उसमें एक खतरा ये है कि हम नीचे गिर सकते हैं। अभी मैं बताता हूँ, अभी हम लेते हैं अपने ब्लॉग्स, कोई बात नहीं, इतना कुछ जाते हैं, जाने दो। अभी यहाँ से जाएंगे सीधा, यहाँ से सीधा ऊपर, होप करेंगे कि बच जाएं। शुक्र है मैंने अपने लास्ट टाइम में आज ही अपने बूट्स के अंदर ना फेदर फॉलिंग 4 लगा ली, वरना हाल बेहाल होते। आयशा, अब मैं हूँ बच गया। दे देना यार शर्कशल, दे दे 8 शर्कशल, पता नहीं कितने शर्कशल थे। अभी यहाँ से सीधा अंदर चलते। ओ ब्रिंग स्टैंड, ओहो काका दिया आपने मेरे को, एंडपल की जरूरत नहीं अपने को। और अभी हम उस रूम में आ चुके हैं जिस रूम में अपने लिए है। आए हाय, ऊपर तो पार्टी हो रही है, इनको अगर मैं इधर से मार सकूं तो बचा लो, कोई तो बचा लो इन जालिमों से, कोई तो बचा लो मेरे को। अब नहीं बचेंगे, अब बचने की शक्ति हैं। अगर ये एक और ठुका ना मेरे को, मैं तो नहीं बचने वाला। मेरी बात मानो, इसको तोड़ो सीधा अंदर। अपना वो रूम आ चुका है जिसमें अपने को मिलेंगे सब कुछ। आहा, मेरे को शर्कशल एक और मिला यार, शर्कशल मिलने का मौका। वो देख रहे हो, वो देखो वो चीज है। आओ जिस चीज के लिए मैं यहाँ आया हूँ, मेरे को मिल गई फाइनली यार। मेरी पहली दफा है माइनक्राफ्ट में कि मैं लाइट्रा लेने आ रहा हूँ, वो भी सर्वाइवल सीरीज के अंदर। भाई मजे आ गए, यकीन करो। जितने मिल गए बड़े हैं। अभी यहाँ पे जो ओपी सलूट है वो लेते हैं सबसे पहले। मेंडिंग को प्रोटेक्शन 4 का हम लेंगे हेलमेट, उससे पहले हम लगाएंगे अपनी अंडर चेस्ट। अभी देखते हैं, फॉर्चून 3 की पिकेक्स ले लेंगे, मेंडिंग का हेलमेट ले लेंगे, कर एफिशिएंसी 5, मेंडिंग फॉर्चून 3 ये वाला ले लेंगे हम अपना ये, और ब्लॉक्स को बाय बाय करना पड़ेगा। और क्या, यहाँ भी अनब्रेकिंग के बूट्स है ये ले लेंगे, एक्वा इन्फिनिटी का हेलमेट ये नहीं चाहिए, अनब्रेकिंग की लेगिंग जरूर लेंगे हम। अभी दिस इज द फाइनल मूवमेंट, मेरे को समझ नहीं आ रही, मैं इतना ज्यादा खुश हूँ। दिस इज द फाइनल मूवमेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
मेरी लाइफ का सबसे पहला हाइलाइटर। आए हाय 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 मजे मजे हाय 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 मजे आए मजे आ गए जी। अभी एक ही काम करना है, सबसे पहले होलो अपने घर में, सबसे पहले चलते हैं अपने एंड पोर्टल की तरफ। इसका मतलब ये होगा कि अपना एंड पोर्टल इस तरफ को है, ताकि अपने को ढूंढना पड़े, अपने को सिंगल ब्रिज बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। और एंड सिटी एक बड़ी सी बिल्कुल अपने एंड पोर्टल की। यार माइनक्राफ्ट में ऐसी किस्मत मैंने पहले कभी नहीं पाई, यकीन करो आज से पहले ऐसी किस्मत मेरी कभी नहीं। अलविदा एंड सिटी, तुमसे मिलकर बहुत ही मजा आया, और तुम्हें देख के जितनी खुशी हुई ना माँ कसम, इतनी खुशी कभी कम ही होती है। तो चलो अल्लाह हाफिज, यहाँ से चलते हैं सीधा अपने घर में हो लेते हैं। और जाके सीधा मैं एक काम करूंगा, सबसे पहले मेंडिंग लगाऊंगा इसमें। अच्छा यहाँ पे हम लगा देंगे दिस वे गोज इट स्ट्रेट टू एंड पोर्टल, ताकि अगली दफा अपने को मसले ना हो। दिख गए अपनी मस्जिद के मीनार दिख गए। जल्दी से घर चलते हैं सबसे पहले। होम स्वीट होम, फाइनली वी आर बैक, वी आर एट अवर होम। कोई मसला नहीं, अब सबसे पहले मेंडिंग और अनब्रेकिंग की बुक देखते हैं अपने पास है कि नहीं। तो यहाँ पे लेते हैं मेंडिंग की बुक, फिर अनब्रेकिंग की मिला के, मेंडिंग और अनब्रेकिंग की बुक हमारे पास एक आ जाती है, फिर हम इनको इलाइट्रा में मिलाते हैं और हमारे पास इलाइट्रा में मेंडिंग और अनब्रेकिंग बुक आ जाती है। फिर हम बनाते हैं फायर रॉकेट्स और फाइनली हम इलाइट्रा पहनते हैं और वी आर रेडी टू फ्लाई। मैं बड़ा खुश होता हूँ यार जब ये होता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको अगली एक वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।